डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नवन प्रीत लकड़ा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं से संबंधित एक समीक्षात्मक बैठक शनिवार को की गई। इस दौरान स्वच्छ भारत अभियान तथा मनरेगा अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। यहां प्रखंड वार ODF प्लस सहित अन्य बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की, साथ ही ज्यादा से ज्यादा ODF प्लस संरचनाओं तथा सामुदायिक सॉकपिट, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट पीट, ट्रेंच का निर्माण, भस्मक निर्माण, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को बेहतर प्रबंधन के साथ पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 अंतर्गत ODF प्लस व अन्य कार्यों की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता में गुणवत्ता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करें। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, आवास योजना समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की तथा सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन हो ताकि लोगों को उचित लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1/2, सभी BPO समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।